हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा। उसके लिए मैं चाहिए दही, हरा धनिया, एक कटोरी बेसन, कटी हुई हरी मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, जीरा, लहसुन डालेंगे। हरी मिर्च दही आधा चम्मच गरम मसाला एक चम्मच धनिया पाउडर हल्दी एक चम्मच लाल मिर्च दो चम्मच नमक स्वाद अनुसार इसमें पानी डालेंगे उबाल आने तक पकाएंगे जब तक इसको चलाते रहने इसको उबाल नहीं आ जाए। इस तरह से कड़ी में उबाल आ जाएगा। इसको करीब एक से डेढ़ घंटे तक पकाना है। इसको एक से डेढ़ घंटा तक। अभी हम बनाएंगे पकोड़े। उसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी बेसन, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा। इसमें पानी डालेंगे हम। इसको अच्छी तरह घोल बनाएंगे। ज़्यादा पतला घोल नहीं। ये हमारा पकौड़े का घोल। ये हमारा पकौड़े का तैयार है। 5 मिनट बाद हम लोग पकौड़े बनाएंगे। अभी तेल गर्म हो गया है। अभी हम पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े बनने के बाद इसको हम कड़ी में ही डालेंगे। अभी हम इसमें जीरा डालेंगे। सौंफ की तैयारी करेंगे। इसमें हरा धनिया डालेंगे, कड़ी पत्ता, तो गैस बंद कर दी हमने। अभी हम इसमें सॉस मारेंगे। कड़ी पकौड़ा तैयार।